और जंग जीत ली। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मजे से मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो आपने देखा था कि हम लोग चित्रकूट आए हुए हैं और चित्रकूट में ही हम लोगों ने स्टे किया, लाइक हमारा न्यू ईयर चित्रकूट में ही होने वाला है। और हाँ, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर, वैसे हम लोगों ने सोचा है परिक्रमा करने का और हनुमान धारा जाने का, तो लेट्स सी हम लोग कहाँ पर जाते हैं। तो जैसा भी होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सुबह का नज़ारा जो हमने रात में आपको दिखाया था वो है थोड़ा इस तरह से। यहाँ पे सारी नाव वगैरह सजी हुई हैं और वहाँ पे हो रही थी आरती। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं और आज का दिन कैसा जाने वाला है। और ये हैं शुक्ला जी, यहाँ पे खड़े हुए हैं। चलिए, यहाँ पे किसी ने लिखा है हैप्पी न्यू ईयर 2023। और अभी सामने हमें एक पर्वत दिखाई दे रहा है, आई थिंक आपको भी दिख रहा होगा, और यही है कामतगिरी का पर्वत और इसी की परिक्रमा ली जाती है। फिर हम लोग आए हुए हैं परिक्रमा लेने के लिए और माना जाता है कि अगर आपके मन में कोई कामना है तो उस कामना को अगर आप इसकी परिक्रमा कर लेते तो वो कामना पूर्ण हो जाती है। तो सब श्रद्धा भाव की चीज़ें हैं, विश्वास और आस्था पर बेस्ड हैं सारी चीज़ें। तो अभी हम जा रहे हैं इसी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। और कितने किलोमीटर की है? पाँच किलोमीटर की है। तो हम दोनों ही लोग आए हुए और आज भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है और हम लोग तो पैदल चल के ही आए हैं, बिकॉज हम लोगों ने पहले सोचा था कि ई रिक्शा या कुछ कर लेंगे। हाँ, तो हम लोग रामघाट में हम लोगों ने लिया हुआ होटल, तो वहीं से हम पैदल ही चल के आए हैं। बहुत दूर भी नहीं है, आई थिंक 1.25 किलोमीटर था शायद, है ना? हाँ, तो 1.25 किलोमीटर था। और रीज़न ये था हमारे पैदल आने का क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पे हम लोग जितनी देर हमने नाश्ता किया, तो जो उतनी देर में एक गाड़ी थी थार हम लोगों ने देखी थी, और वो जितनी देर हम लोगों ने दो जगह नाश्ता किया था वो कंटिन्यूसली वहीं खड़ी ही रही। तो वो हमें कोई लॉजिक नहीं समझ आया कि हम लोग उतनी देर वेट करें, उससे अच्छा है कि अपने पैरों से चल कर जाएँ। तो इस वजह से हम लोगों ने कोई भी सवारी नहीं ली, बिकॉज ऑफ जाम बहुत भयंकर लगा है। तो हम लोग इसीलिए पैदल आए। तो अभी और हमें 5 किलोमीटर पैदल चलना है। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह का है और यहीं पर जो आते हैं ये सब ई रिक्शा वगैरह यहीं उतार देते हैं। हम लोग यहाँ पर अपने जूते वगैरह उतार कर यहीं पर रख दे रहे हैं, बिकॉज 5 किलोमीटर की यात्रा है तो पूरा हम लोगों को पैदल ही करनी है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएगी जहाँ पर आप अपना बैग और जूते चप्पल वगैरह जो भी आप पहने हो वो उतार कर रख सकते हो। और ये उतार देना इसलिए भी ज़्यादा बेटर बिकॉज बीच बीच में मंदिर वगैरह पड़ेंगे और यात्रा है, तो आई थिंक नंगे पैर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मजा आएगी, देखते हैं। अभी तो बहरहाल हम लोग को गर्मी लगने लग रही है ना, और तो एक एक ये जो हम लोगों ने पहन रखा है आई थिंक उतार देंगे और देखते हैं क्या होता है आगे। ऑल्सो यहाँ पर प्रसाद वगैरह भी मिल रहा है, तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। उन्होंने प्रसाद लिया हुआ है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी झोले में। यहाँ से लिया है हम लोगों ने, नहीं नहीं बंदरों से तो दूर रहना है भैया। तो हम लोगों ने दोनों लोगों ने लिया हुआ है, बिकॉज एक जाएगा कानपुर और एक जाएगा लखनऊ। तो ओके, तो हम लोगों ने प्रसाद वगैरह सब चीज़ें ले ली हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं यात्रा के लिए। और सामने पर्वत दिख रहा है, मैं आपको पर्वत दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा पर्वत दिख रहा है, और ये ग्रीनरी वाला पर्वत है, स्नो वाला नहीं है। पूरे में पेड़ ही पेड़ बने हुए हैं, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। है कामतगिरी जी का मंदिर, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंची चढ़ाई पर है और उसके पीछे है पेड़। और आज आई थिंक न्यू ईयर की वजह से काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ये मंदिर है पूरा और यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा। ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सा घर लग रहा है, और ये देखिए ये है पूरा पहाड़ जो बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ।
पत्थर वो वाला है जो तैरा करता है पानी में ऊपर। राम जानकी महल मंदिर में और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और बिल्कुल जो उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। कैमरे में आई डोंट थिंक ये उतना अच्छे से कैप्चर हो पा रहा है ये नहीं, बट मैं पास से जाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राम जानकी महल मंदिर। और ध्यान से देखिए प्रसाद लाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रही हैं, और मिलने ही वाला लग रहा, नंबर अब आ गया है इनका। जय जय श्री राम। बेचारी उदास निराश उतनी देर से खड़ी हैं, नंबर मिल नहीं रहा अभी। और जंग जीत ली। यहाँ पर काफी दवाई वगैरह मिल रही है, औषधियाँ वगैरह, पथरी वगैरह की दवाई, काफी चीजों की दवाइयाँ हैं। अभी हम लोग ना मध्य प्रदेश में थे और अभी हम लोग यूपी में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, कामतगिरी परिक्रमा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो अभी तक हम लोग एमपी में थे और अभी हम लोग यूपी में जा रहे हैं, और ये है कामतगिरी पर्वत। तो अभी हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया और अभी हम लोग कंटिन्यू ही है अपनी परिक्रमा में, तो बने रहिए हमारे साथ और आप भी आनंद उठाइए हमारी परिक्रमा का। पहले बताइए ये क्या है, खरगोश जैसे लग रहे पर एक खरगोश नहीं है, चूहे हैं, चूहे। सीता जी के पिता ये भरत जनक मिलाप मना रहे हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट, ये भरत मिलाप नहीं है, भरत जनक मिलाप मना रहे हैं। देख रहे ना यहाँ पर जो रामचरित मानस चल रहा है ये 108 साल से अनवरत चल रहा है कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे लोगों की ड्यूटी की तरह लगती है कि वो किसी भी मतलब तरीके में, हो सकता है कभी श्रद्धालु हैं कभी नहीं हैं, तो रात दिन वो जो उसका कंटिन्यूएशन है वो काफी अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है शायद 108। पढ़ रहे हैं।
रामायण दर्शन के शोज वगैरह होते हैं, आपको डिजिटल रामायण दिखाई जाएगी। और अभी हम लोग तो वैसे नहीं देख रहे हैं, एक बजे 3 बजे ऐसे हैं, तो अभी तो टाइम नहीं है, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। हाँ, तो टाइमिंग थोड़ी सी और है, वैसे अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं दर्शन, हम लोग से परिक्रमा फोकस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी, और बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप फैमिली के साथ आओ तो यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठने के लिए भी ठीक ठाक अच्छी व्यवस्था है। हाँ, काफ़ी अच्छा है, व्यू बहुत प्यारा उधर से आ रहा है, आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे हम लोग जब से रुके हैं तब से हमें रामायण सुनने को मिल रही कंटिन्यूअसली, जब हम लोग होटल में भी थे तब भी हमें रामायण सुनने को मिल रही थी, और अभी यहाँ पर भी हमें रामायण, मतलब अगर चित्रकूट में है तो आई थिंक आपको रामायण परमानेंट सुनने को मिलेगी। प्राचीन रमा बैकुंठ कामननाथ मंदिर, तो ये है प्राचीन भारत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर दर्शन। तो अभी हम लोग यहीं पे जा रहे हैं और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, पैरदारी कर रहे हैं, और कुछ इस तरह से है यहाँ पे, मतलब अगर प्राचीन लिखा है तो फुल प्राचीन वाली फीलिंग आएगी आपको। ये एक प्राचीन जगह भेंट मिलाप जो भगवान राम जी का भेंट जी का मिलाप हुआ है, कई तो कैसे लगी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हुई थी इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट में बना दिया है, और ये है पहला पार्ट, इसके अलावा एक और पार्ट आएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, जिसमें आपको लक्ष्मण पहाड़ी और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।